नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडोनेशिया के रीसेंट डिसीजन की, जहां पर उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो अपनी कैपिटल को जकार्ता से बोर्नियो शिफ्ट कर दें। आखिर ये शिफ्टिंग क्यों की जा रही है, क्या इसके मायने होंगे, लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और एनवायरमेंटलिस्ट का इस संबंध में क्या कहना है, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं विद दी न्यूज। तो जकार्ता एज अ सिटी इज बहुत ही कंजस्टेड, पोल्यूटेड और ये ऐसे क्षेत्र में लोकेटेड है जहाँ पर अर्थक्वेक्स बहुत ज्यादा आते हैं। और इसके साथ साथ एक और जो समस्या है वो ये है कि वो बहुत तेजी से सिंक हो रही है इन दी जावा सी, जिसके बाद सरकार ने एक प्रोसेस शुरू कर दिया है ऑफ लीविंग एंड मूविंग इंडोनेशिया कैपिटल टू द आइलैंड ऑफ बोर्नियो, इसको छोड़कर एक नई कैपिटल सिटी का निर्माण किया जाएगा जो कि बोर्नियो में होगी। जो इंडोनेशियन ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि जो नया मेट्रोपोलिस होगा, जो बनेगा, वो एक सस्टेनेबल फॉरेस्ट सिटी के रूप में उसका निर्माण किया जा रहा है, जो कि एनवायरनमेंट को डेवलपमेंट के हार्ट पर रखेगा। मतलब एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट किया जाएगा। और साथ साथ इसका उद्देश्य ये भी है कि इस नए सिटी के निर्माण के साथ एम किया जाएगा कार्बन न्यूट्रल बनने का बाय 2045। लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट इसको लेके थोड़ा चिंतित है और उन्होंने वॉर्न किया है कि जो कैपिटल सिटी है, जो नया कैपिटल कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, उसमें डेवलपमेंट किया जाएगा, ये कहीं ना कहीं मैसिव डिफॉरेस्टेशन कॉज करने वाला है। बहुत ज्यादा पेड़ों को कटान होगा, यहाँ पे जंगलात कटेंगे और साथ में ये कहीं ना कहीं खतरा भी है टू द हैबिटेट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज सच एज ओरैंगउटांस, और जो भी इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं उनके घरों को भी ये तबाह कर देगा इस पूरी प्रक्रिया में। क्या है पूरी प्रक्रिया, कैसे की जाएगी, क्या इसमें प्लान किया गया, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLIFE10। नाउ 20% का आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है आपके UPSC CSE सब्सक्रिप्शन पर 2024 की तैयारी के लिए। आप अभी जाकर एनरोल कर सकते हैं। 12 महीने या 18 महीने के सब्सक्रिप्शन में आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLIFE10 और आप अवेल कर सकते हैं बेनिफिट। एक और बेनिफिट ये होगा इस कोड को यूज करने का कि ना केवल आपको डिस्काउंट मिलेगा 20%, बल्कि आपको मेरी गाइडेंस भी मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में। पाथफाइंडर की एक स्पेशल कोर्स, एक क्रैश कोर्स प्रीलिम्स विद पाथफाइंडर लॉन्च हो चुका है। 1 मार्च से इसकी क्लासेस शुरू हो गई हैं। अगर अभी तक आपने इसमें एनरोल नहीं किया तो आप एनरोल कर सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल फीस। NDLIFE10 आपको कोड यूज करना है और आप रिकॉर्डेड सेशंस भी देख पाएंगे प्रीवियस सेशंस की एंड लाइव सेशंस भी आप कर पाएंगे हमारे साथ। नाउ इंडोनेशिया ने क्यों डिसाइड किया है कि वो अपना कैपिटल मूव करेगी, तो देखिए जकार्ता जो है वो 10 मिलियन लोगों का घर है और 3 times दैट नंबर इन द ग्रेटर मेट्रोपॉलिटन सिटी, 3 गुना ज्यादा नंबर है जो कि बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है। इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज वर्ल्ड्स मोस्ट रैपिडली सिंकिंग सिटी, इसको बहुत तेजी से सिंक होने वाली सिटी का भी कहा जा रहा है विश्व की। और अगर ये करंट रेट पे, जिस रेट पे सिंक हो रही है, एस्टिमेट किया जा रहा है कि 1/3 सिटी सबमर्ज हो जाएगी इन द जावा सी बाय 2050। यहाँ पर जकार्ता है, यहाँ पर जावा सी और ये सिंक हो रही है, यहाँ से बोर्नियो शिफ्ट करने की बात चल रही है। जो मेन कॉज है इस अनकंट्रोल्ड ग्राउंड वाटर, मेन कॉज जो है सबका वो है अनकंट्रोल्ड वाटर एक्सट्रैक्शन, बिल्कुल वो कंट्रोल तरीके से वाटर एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है। साथ साथ जो और खतरा है, जो और दिक्कत बढ़ा रहा है, वो है जावा सी का लेवल जो राइज हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। जावा सी का जो जलस्तर है वो भी बढ़ रहा है, तो ये दोनों ही कारण है जिसकी वजह से ये सिंक हो रही है। इसके साथ साथ एयर और ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है इस क्षेत्र में, फ्लड्स रेगुलरली आते हैं यहाँ पर और जो इसकी स्ट्रीट्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी क्लॉग हो जाते हैं, मतलब क्लॉगिंग बहुत होती है, जिसकी वजह से इसे जो ये एस्टिमेटेड कंजेशन है इससे इकोनॉमी पर जो भार पड़ता है वो पड़ता है $4.5 बिलियन का सालाना, इसको क्लियर करने के लिए, इन सब चीज़ों को हटाने के लिए। तो अब ये जो नया कैपिटल होगा ये तो समस्या है, अब नया जो कैपिटल होगा वो कैसा होगा, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने कहा है कि जो नया कंस्ट्रक्शन जो किया जाएगा नए कैपिटल का, वो एक तरह से इस समस्या का समाधान होगा जो कि जकार्ता झेल रहा है, जिससे कि ना केवल एक तो पोल्यूशन का पॉपुलेशन रिड्यूस होगी और जो नई, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो नई कैपिटल बनेगी वो देश को एक नई शुरुआत देगी विद अ सस्टेनेबल सिटी, एक नई सस्टेनेबल सिटी के रूप में नए कैपिटल को लाया जाएगा। विडोडो का जो प्लान है टू एस्टैब्लिश द सिटी ऑफ नुसंतारा, नुसंतारा ये ओल्ड जैवनीज टर्म है जिसका मतलब होता है आर्किपेलागो, आइलैंड्स है ना छोटे छोटे, तो इसमें क्या होगा कि जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है
उनकी कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग कंस्ट्रक्शन बिल्कुल स्क्रैच से शुरू की जाएगी, सस्टेनेबल तरीके से शुरू की जाएगी। इनिशियल जो एस्टिमेट्स लगाए जा रहे थे वो थे ओवर 1.5 मिलियन सिविल सर्वेंट्स, उनको रिलोकेट किया जाएगा सिटी से सम 2000 किलोमीटर्स और 1240 माइल्स नॉर्थ ईस्ट टू जकार्ता। नाउ अभी मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो अभी भी फिलहाल फाइनलाइज कर रही है नंबर्स की, एग्जैक्टली कितने नंबर कितने लोगों को शिफ्ट किया जाएगा यहाँ से, ये अभी देखना होगा। वहीं जो नुसंतारा नेशनल कैपिटल अथॉरिटी के जो हेड हैं बामबंग, उनका कहना है कि जो नई सिटी बनेगी वो अप्लाई करेगी द फॉरेस्ट सिटी कॉन्सेप्ट। फॉरेस्ट सिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा, जिसका मतलब है कि 65% जो एरिया होगा इस पूरी सिटी में वो रीफॉरेस्ट किया जाएगा, उसको रीफॉरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, सिटी को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसको इनॉग्रेट कर दिया जाएगा 17 अगस्त तक अगले साल, जो कि इंडोनेशिया के इंडिपेंडेंस डे से कोइंसाइड करता है। लेकिन फाइनल स्टेजेस जो होंगी सिटी की कंप्लीशन एंड एक्सेट्रा, वो 2045 तक नहीं कंप्लीट हो पाएंगी। 2045 जब ये कंप्लीट होगी तो ये इंडोनेशिया का 100th ईयर एनिवर्सरी को मार्क करेगा, तो कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस यहाँ पर है। नाउ एनवायरमेंटलिस्ट का क्या कंसर्न है इसको लेके, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि वो कह रहे हैं कि बहुत मैसिव डिफॉरेस्टेशन होगा यहाँ से और हैबिटेट जो होगा वो डिस्ट्रप्ट हो जाएगा एंडेंजर्ड स्पीशीज का लाइक ऑरैंगउटांस। तो एनवायरमेंटल काफी इस पूरे डिसीजन से खुश नहीं है और वो अपने कंसर्न्स भी रेज कर रहे हैं रिगार्डिंग द मैसिव डिफॉरेस्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट। इंडोनेशियन एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, फॉरेस्ट वॉच इंडोनेशिया, उसने अपने 2022 की रिपोर्ट में वॉर्न किया था कि अधिकतर जो फॉरेस्ट एरिया है नई कैपिटल में वो प्रोडक्शन फॉरेस्ट है, जिसका मतलब है उनको आसानी से परमिट किया जा सकता है फॉर फॉरेस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिव एक्टिविटीज विच कुड कॉज डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है। अभी तक कोई भी ऐसी सर्टेनिटी नहीं है रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ द रिमेनिंग नेचुरल फॉरेस्ट इन द न्यू कैपिटल एरिया, कोई भी ऐसा कुछ सर्टन अभी तक बताया नहीं गया कि कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया। डेटा एनालिसिस ने ये कहा है कि जो रीजन है वो एक्सपेक्ट कर सकता है आने वाले दिनों में एक्सट्रीम हीट इन द ईयर्स टू कम। डिफॉरेस्टेशन होगा तो ऑब्वियसली टेम्परेचर राइज होगा एंड ऑल दीज थिंग्स, तो यहाँ पर इस तरह की वार्निंग्स भी आ रही है। अब जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज हैं उन पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक 35 ऐसे गांव हैं जिसमें 100 से ज्यादा इंडिजिनियस बालिक लोग रहते हैं जिनको रिलोकेट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन विद मोर विलेजेस। सिर्फ 5 नहीं, ऐसे और बहुत सारे विलेजेस हैं जिनको अपलोड किया जाएगा क्योंकि बिल्डिंग साइट्स को एक्सपैंड करना है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो नई कैपिटल है उसको काफी सपोर्ट मिला है लोकल कम्युनिटी लीडर्स का और उन्होंने लोगों को कॉम्पनसेशन भी प्रोवाइड किया जिनकी जमीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है टू बिल्ड इन द सिटी। लेकिन वहीं एक इंडिजिनियस लीडर हैं सिबुकदिन, उनका कहना है कि भाई जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको ऐसा लग रहा है कि कंपेल किया जा रहा है टू टेक द मनी जो उनको ऑफर किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट। उनको ये भी नहीं पता है कि जो कॉम्पनसेशन है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्या ये कॉम्पनसेशन फेयर है या नहीं है। तो एक तरफ से जहां एक तरफ सरकार ये कह रही है कि पीपल आर सपोर्टिंग, वही एक लोकल लीडर ये कहते हैं कि अभी लोगों को पता भी नहीं है कि उनको कॉम्पनसेशन कैसे दिया जा रहा है, क्या ये वैलिड कॉम्पनसेशन है या नहीं। तो दीज आर दी प्रॉब्लम्स जहां पे इंडिजिनस कम्युनिटीज पे जो इम्पैक्ट है वो होगा, एनवायरमेंट पे जो इफैक्ट है इम्पैक्ट है वो है, जहां एक तरफ जकार्ता से शिफ्ट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल इशूज, सिंकिंग इशू है उसका या फिर जो भी पोल्यूशन की वजह से या ओवर पॉपुलेशन की वजह से, वहीं नई सिटी को बनाने में जितना ज्यादा पोल्यूशन या जितना ज्यादा एनवायरनमेंट को प्रभाव पड़ेगा उसको शायद ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, रखा जा रहा है तो उसको लेके काफी क्लैरिटी अभी नहीं है क्योंकि कहीं पर भी ये क्लियरली नहीं बताया गया है कि जो प्रोटेक्शन स्टेटस है कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा नेचुरल फॉरेस्ट को यहाँ पर। तो यू टू जस्ट सी वेयर इट गोज। दोस्तों 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 16 मार्च से हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं आरंभ, और एक्सपीडिशन बैच जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं हमारे साथ और तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसी के साथ 2024 की प्रिपरेशन के लिए ऑफलाइन बैचेस भी शुरू होने वाले हैं 3 अप्रैल से, 5 से 7:30 बजे का समय होगा। एनडी लाइव 10 आपको पोर्ड करना है टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ साउंड एंड ईएमआई ऑप्शन। इसी के साथ पाथफाइंडर की सीरीज के बारे में मैंने आपको बताया है, वो शुरू हो चुकी है 1 मार्च से। कॉम्बैट में भी आप एनरोल कर सकते हैं अपनी तैयारी को देखने के लिए, उसके डायरेक्शन को देखने के लिए। ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है हमारे साथ। That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel. And also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless.